हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं स्पेशलाइज ट्यूटोरियल। आज हम बात करने जा रहे हैं विंडोज़ में। विंडोज़ जैसा कि आप लोग अपने पीसीज में विंडोज़ ही यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको ये बताने जा रहा हूं कि विंडोज़ है क्या, विंडोज़ कैसे शुरुआत हुई, विंडोज़ के कितने वर्जन अभी तक आए हैं, हर एक वर्जन में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, हमारा स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी जो लेटेस्ट 10 चल रहा है, 1.0 से स्टार्ट हुआ है, अब तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए, क्या क्या चेंजमेंट हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि विंडो है क्या और विंडो कैसे अस्तित्व में आया। तो विंडो हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया था। ये हमारा एक बेसिकली बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि लोगों के बीच अपनी ईजी यूज़ और यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली और एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर यूजर ईजीली तरीके से काम कर सकता था। इसमें उन सारे फीचर्स और टूल्स का यूज हुआ, जिसकी सहायता से एक यूज़र किसी भी चीज़ को ईजिली हैंडल कर सकता था, चाहे वो हमारा आइकन हो, शॉर्टकट हो, या फिर हमारे यूटिलिटी टूल्स हो, या फिर हमारे ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी सहायता से वो आप कंप्यूटर में कोई भी काम ईजिली हैंडल कर सकता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि विंडोज़ थी क्यों। विंडोज़ से पहले अगर बात करते हैं, तो विंडोज़ से पहले हमारे कमांड लाइन जो कि MS-DOS पे काम किया जाता था। MS-DOS पे काम करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि MS-DOS पे उन सारे काम करने के लिए हमें कमांड्स को याद रखने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन जैसे ही हमारा विंडो आया, विंडो में इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया गया और एक ग्राफिकल हमें इंटरफेस दिया गया, जहाँ पे हमें ना किसी चीज़ को याद करना है, बल्कि हमें विजुलाइज उन चीज़ों को देखना है और इन चीज़ों को देखने के बाद उस चीज़ों पर काम करना है। हम जहाँ तक हमको समझ में आता है कि हम कोई चीज़ पढ़ना है और किसी चीज़ को देखना है, इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे माइंड पे और हमारे लर्निंग पे। तो हमारे विंडोज़ में यही हुआ कि हम विंडोज़ में जो भी काम किए वो हमारे विजुलाइज हुआ, और जिससे हमें विंडोज़ में GUI इंटरफेस के साथ हमारे ऐसे बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए, जिसकी सहायता से हमारे काम को बहुत ही ईजी वे में कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हमारे शॉर्टकट्स, एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल्स, फाइल्स होल्डर्स, उसके बाद हमारे एंड प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर, एंड रिमूव सॉफ्टवेयर, विंडो मीडिया प्लेयर, ऐसे बहुत सारे ऐसे टूल्स जिसकी सहायता से हम इजीली किसी भी चीज़ को प्लग एंड प्ले करके एक्सेस कर सकते थे। इन सारी चीज़ों से हमारा विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 ईस्वी में अपना फर्स्ट विंडो लॉन्च किया 1.0, जिसको कि इंटरफेस मैनेजर कहा जाता था, जिसमें उसमें मार्केटिंग मैनेजर हेराल्ड करके थे, जिन्होंने क्या किया कि इंटरफेस मैनेजर का नाम चेंज करके इसका नाम विंडोज़ रखा। विंडोज़ रखने के पर्पज़ इस था कि एक ऐसा नाम जो कि इजी हो, यूनिक हो और जो लोगों के बीच पॉपुलर हो, इसीलिए उसका नाम बदल कर उन्होंने विंडोज़ कर दिया। ओके, तो हमारा विंडोज़ लॉन्च हुआ, उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट वर्जन आए, जैसे कि 1.0 से लेकर आज हमारा विंडो 10 तक के वर्जन थे। इस वर्जन का अगर देखा जाए कंपेरेटिवली, तो इसमें एडवांसमेंट होता रहा और बहुत सारे हमारे ऐसे फीचर्स हैं जो डे बाई डे जिसमें ऐड होते रहे। इसके बीच में हमारे लिनक्स, उसके बाद हमारा एप्पल OS, ऐसे हमारे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, बट पॉपुलरिटी के हिसाब से देखा जाए तो विंडोज़ की पॉपुलरिटी इन सबसे बहुत ज़्यादा थी, और यही वजह थी कि लोगों के बीच विंडोज़ हमारा काफ़ी फेमस हुआ। जहाँ तक बात की जाए विंडोज़ पॉपुलरिटी की, तो लगभग 90% होम पीसीज में हमारे विंडोज़ ही यूज़ किए जाते हैं, एक्सेप्ट देन हमारे एप्पल और लिनक्स। ओके, उसके डॉस के लॉन्च होने के बाद विंडोज़ ने ऐसे बहुत सारे इंटरेक्टिव टूल्स, जैसे कि विंडो इंटरफेस हुआ, उसके बाद यूटिलिटी टूल्स, हमारे विंडोज़ एक्सप्लोरर, प्रिंट मैनेजमेंट, उसके बाद हमारा और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स जिनका यूज़ करके विंडोज़ को उसने और भी यूज़र फ्रेंडली बना दिया और इसकी पॉपुलरिटी को और भी आगे इम्प्रूवमेंट मिला। अब रही बात कि हमारी विंडोज़ जी ना केवल हमारे सिस्टम में ही, बल्कि हमारे ऐप मोबाइल में और हमारे सर्वर के लिए भी विंडोज़ में अलग अलग वर्जन अपडेट होते रहे। जहाँ तक बात की जाए विंडोज़ के सर्वर में, तो विंडोज़ सर्वर हमारा 2016, इससे पहले 2012, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8 सर्वर, विंडोज़ NT, इस प्रकार से हमारे बहुत सारे विंडोज़ के सर्वर वर्जन है, जो कि बहुत सारे पॉपुलर्स हमारे वर्जन है जो विंडोज़ के सर्वर पर काम करते हैं। जैसे कि हमारे विंडोज़ के वर्जन है वैसे विंडोज़ सर्वर के हैं, ऐसे हमारे अगर मोबाइल ऐप में देखा जाए तो मोबाइल ऐप में विंडोज़ में 8.1 से स्टार्ट हुआ, और विंडोज़ 10 में भी हमारे मोबाइल के और टैबलेट के वर्जन जो हैं वो आपके काम करते हैं OS में।
जहाँ तक पॉपुलैरिटी की बात है, तो विंडोज़ ओएस जो कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि हमारा एंड्रॉयड ओएस का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर हुआ। इस बात को उन्होंने एडमिट भी किया है। लेकिन 2016 में जैसे ही उनका विंडोज़ 10 लॉन्च हुआ, जो कि एम्बेडेड था आपका मोबाइल और टैबलेट और आपके सिस्टम से रिलेटेड होकर, तो उनकी थोड़ी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो जहाँ तक हमारे होम पीसीस में विंडोज़ की पैट है, लेकिन वहीं अगर हम मोबाइल में देखा जाए, स्मार्ट मोबाइल में देखा जाए, तो स्मार्ट मोबाइल ऐप में हमारे विंडो की लोकप्रियता ना के बराबर है। इसमें एंड्रॉयड हमारे सबसे आगे हैं। अब बात करते हैं हम लोग के विंडोज़ के बेसिकली फीचर्स के बारे में। विंडोज़ हमारे बिल गेट्स के और पॉल एलन ने मिलकर हमारा विंडोज़ की आधारशिला रखी है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। जैसा कि मैंने अभी पहले बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ को सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने विंडोज़ को एक वर्ड दिया कि विंडोज़ जो हमारा बना हुआ है वो पर्टिकुलर हर अक्षर का कुछ ना कुछ मीनिंग से, तो उन मीनिंग के बारे में बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट डब्ल्यू का मतलब होता है वाइट, आई का मतलब होता है इंटरैक्टिव, एन का मतलब होता है नेटवर्क, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, ओ का मतलब होता है ऑफिस, डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क, एस का मतलब होता है सॉल्यूशन। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक वाइड इंटरैक्टिव नेटवर्क है जो कि डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये हमारा 32 और 64 बिट्स दोनों को सपोर्ट करता है और ये दोनों प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप हुआ है। ओके, बेसिकली अब बात करते हैं इनके वर्जन के बारे में। जहाँ तक मैंने बताया कि इसमें अब लगभग 12 वर्जन जो कि आए हुए हैं। टाइम टाइम पे हमारा 1.0 से शुरू हुआ टाइम और 10 तक हमारा करंट में स्टक चल रहा है। 9 चूँकि नहीं हुआ क्योंकि 9 को रिलीज नहीं किया गया, 9 को स्किप कर दिया गया और डायरेक्ट हमारा 10 को रिलीज किया गया। जहाँ तक कहने वाले ये कह रहे हैं कि 10 इज द लास्ट वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो 10 है वो हमारा लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद ओएस का कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपग्रेड नहीं आने वाला इन फ्यूचर में, ठीक है। इसी सीरीज में हम सबसे पहले चलते हैं कि हमारा विंडोज़ वर्जन में विंडोज़ 1.0 क्या था, विंडोज़ 1.0 में क्या क्या फीचर्स थे। तो विंडोज़ 1.0 हमारा 20 नवंबर 1985 जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ लॉन्च हुआ था। इसमें हमारा क्या था बेसिकली, क्या एक तरह से देखा जाए तो इसमें माउस का यूज़ ना के बराबर था और लिटिल बिट यूज़, और इसके जो विंडो होते थे वो आपका कैस्केडिंग में खुलते थे, ठीक है, टाइल टाइप में खुलते थे, ये ओवरलैपिंग नहीं होते थे, ठीक है। इसके जो डायलॉग बॉक्स खुलते थे उसके ऊपर होते थे, मिनिमाइज नहीं होते थे, क्लोज होने होते थे, ओके। ये बेसिकली डॉस, इसका जो डॉस एडिटर हमारा है उस टाइप से इसका विंडोज़ आता था, और ये ग्राफिकल यूज़र नहीं था बल्कि ये कैरेक्टर यूज़र था, बट इसमें लिटिल बिट यूज़ ऑफ कीबोर्ड। तो ये हमारे विंडो 1.0 20 नवंबर 1985 को लिमिटेड मल्टीटास्किंग, मतलब मल्टीटास्किंग ना के बराबर था, एमएस डॉस के कमांड को सपोर्ट करता था। एमएस डॉस फंक्शंस और जीयूआई प्रोग्राम इन दोनों का उसमें कह सकते हो तो एक तरह से एक कम्बिनेशन था जो हमारा विंडोज़ 1.0 था। इसमें माउस का जैसे मैंने बताया लिटिल बिट यूज इन माउस, कमांड बेस ज़्यादा वो करता था, ये मोनोक्रोम बेसिकली जो ब्लैक एंड वाइट कंप्यूटर होता है, कलर दो पीस हमारे होते हैं मॉनिटर, तो ये हमारा ब्लैक एंड वाइट जो मॉनिटर होता है उसको हम लोग मोनोक्रोम बोलते हैं, तो मोनोक्रोम को सपोर्ट करता था। आइकन सपोर्ट नहीं होता चूँकि इसमें जीयूआई था नहीं, तो आइकन था ही नहीं, तो आइकन कोई सपोर्ट करने का सवाल नहीं होता था। ओवरलैपिंग विंडो नॉट सपोर्ट, मतलब कहने ओवरलैपिंग मतलब एक विंडो खोलने के बाद उसके ऊपर कोई विंडो नहीं आता था बल्कि वो साइड में आता था, तो ओवरलैपिंग विंडो को सपोर्ट नहीं करता था बल्कि ये हमारा टाइल में अलग अलग खुलता था, ठीक है। डायलॉग बॉक्स जो होते थे वो विंडो के ऊपर आते थे, ठीक है, डायलॉग बॉक्स में ये चीज़ थी, ओवरलैपिंग हो जाती थी, मतलब उसके ऊपर आते थे, ओवरलैपिंग नहीं बट उसके ऊपर आती थी, और उसको आप मिनिमाइज नहीं करते थे बल्कि उसको क्रॉस करके बंद करते। इन सारे फीचर्स का मिला जुला एक रूप था जो कि विंडोज़ 1 में अवेलेबल था। अब विंडोज़ 2 की बात करते हैं, ओके, अब बात करते हैं विंडो 2.0 की। विंडो 2.0 में वो सारे फीचर्स तो थे ही जो कि 1.0 में थे, साथ में उसका अपग्रेडेड वर्जन आया, उसमें अपग्रेड हुए और उसमें वो सारे फीचर्स हमारे ऐड हुए जो कि इनकी मैंने लिस्ट नीचे दी हुई है। ये हमारा विंडो 2.0 9 दिसंबर 1987 का हमारा लॉन्च हुआ था, और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर्स बढ़ी, जैसे मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है वो सारी चीज़ें इसमें हुई।
एप्पल टॉक सपोर्ट, हमारे डॉकिंग के लिए एप्पल टॉक सपोर्ट पे फीचर्स ऐड हुआ, प्रिंटिंग को फास्ट प्रिंटिंग सपोर्ट हुए, प्रिंटर को अपडेट लेने लगा इन सारी चीज़ों के साथ ही हमारा 8088 और 8086 ये प्रोसेसर को सपोर्ट करता था। ठीक है, ये हमारे 32 बिट्स सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो रहा था, जैसा कि हमारे विंडो 3.0 में आपको बताएंगे कि हमारा 22 मई 1990 को लॉन्च हुआ था, 22 मई 1990। ये हमारा इसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी सिस्टम को सपोर्ट करने की वो 286 प्रोसेसर और 1 MB रैम। ओके, ये बेसिकली हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता था और ये हमारा 32 बिट सपोर्ट करता था। ये एक मल्टीटास्किंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि हमारा वो सारे इंटरफेस को फॉलो करता था। उसके बाद ये इसमें टू टाइप फॉन्ट को भी सपोर्ट करता है। टू टाइप फॉन्ट में हमारा जैसे कि एरियल है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है, ये हमारा बोल्ड इटैलिक था, अंडरलाइन नहीं आया था उस समय। और उसके बाद हमारा इसमें माउस का वीडियोस देखना, अगर आपको एप्पल क्विक प्लेयर करके था, एप्पल क्विक मीडिया प्लेयर आपने देखा होगा, वो हमारा उस समय सपोर्ट करता था। आइकन्स आ गए थे, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यूज थे, उन सारे ड्रैग एंड ड्रॉप आइकन मेन्यू के द्वारा आप यूज़र इंटरफेस, जिससे कि आप जियोग्राफिकल यूज़र का काम करके और विंडो को इजीली आप हैंडल कर सकते थे। इससे पुराने वाले वर्जन में जो कि 1.1 और 1.2.0 ये सारे वर्जन जितने भी थे हमारे बेसिकली कमांड बेस्ड थे, उसमें एक नाम मात्र का हमारा GUI बेस्ड था, बट हमारे 2.0 के बाद हमारा जो 3.0 आया, ये टोटली हमारा एक ऐसा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया जहाँ पे हमें उन सारे फीचर्स मिलने लगे जो कि हमें आज मिलते हैं, उनकी शुरुआत हमारे 3.0 में हो गई। और वो एक्चुअली एक विशेष लेवल पे काम भी करते थे, जिसको कि एक यूज़र उन चीज़ों से इंटरेक्ट करके अपनी चीज़ों को पूरा कर सकता था। उसके बाद इसमें हमारा एडवांसमेंट 3.0 के बाद 3.11, ये हमारा इसमें वर्कस्टेशन नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो कि अपडेटेड वर्जन इसमें लॉन्च हुआ, वो हमारा नेटवर्क को सपोर्ट करता था। नेटवर्क जैसे कि मान के चलिए कि इसमें लैन कार्ड सपोर्ट और एक से अधिक कंप्यूटर को शेयर करना, फाइल को साझा करना, TCP/IP का जो प्रोटोकॉल होते हैं उन चीज़ों को फॉलो करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस की यूज के लिए होता था, जहाँ पर हम एक से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकें और उनसे हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। तो इन चीज़ों को सपोर्ट करने लगा वर्क स्टेशन NT 3.11 में। ये हमारा प्रोग्राम मैनेजर, जैसे कि प्रोग्राम कैसे मैनेज किया जाता है, प्रोग्राम को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, उन चीज़ों को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, इन सारे फीचर्स के साथ हमारा इंटरनेट सक्सेसफुल 5 में इंट्रोड्यूस हो गया था 3.0 में, ठीक है। अब बात करते हैं विंडो 95 हमारा 1995 में आया हुआ था और ये 24 अगस्त को लॉन्च हुआ था। विंडोज में हमारे दो वर्जन आए, एक सर्विस पैक 1 करके आया जो कि हमारे दिसंबर में आया था 1995 में, मतलब अगर देखा जाए तो 5 महीने के अंतर में, 6 महीने के अंतर में, अगस्त में और दिसंबर में इसके दो वर्जन लॉन्च हुए हमारे विंडो 95 का। विंडो 95 का बेसिकली हमारा एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, 32 बिट सपोर्ट कर 32 बिट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता था और ये 386 चिप को बेसिकली इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 386 चिप, मतलब 386 चिप और 32 बिट प्रोसेसर, इसको हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमें चाहिए होता था तभी इंस्टॉल होता था। सेल्फ कंटेनेड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ओके, जो कि डॉस का आपका कह सकते हैं कि सुधरा हुआ रूप था, जो कि हमारा ये 532 और वेब TV इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.0 को भी ये फीचर्स अवेलेबल थे। विंडो एक्सप्लोरर के साथ हमारे स्टार्ट मेनू और टास्क बार डिजनर, मतलब कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें कि टास्क बार आया था, जहाँ पे आप स्टार्ट का बटन होता था, उसके बाद नीचे आप जो भी टास्क कर रहे हो टास्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नीचे शो होती थी। राइट साइड में कोने पे जो आपको इस समय क्लॉक दिखता था, वो हमारा 95 के बाद वो सारी पैनल दिखने लगे वहाँ पे क्लॉक, उसके बाद वहाँ पे आपका जो भी नोटिफिकेशन बार होता है वहाँ पे आपका वो सारी चीज़ें शो होने लगी। कुल मिला के विंडो 95 में हमारे नीचे का जो सेक्शन होता है इसमें स्टार्ट बटन, स्टेटस बार और हमारा जो नोटिफिकेशन एरिया होती है, क्लॉक एरिया होती है, ये सारी चीज़ें हमारी 95 वाले जो वर्जन लॉन्च हुआ उसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया और इन चीज़ों से लैस होकर हमारी 95 वर्जन मिली। इसमें हमारे फाइल्स फोल्डर्स क्रिएट करना, शॉर्टकट क्रिएट करना, इन सारी चीज़ों का यूज हम फाइल मैनेजमेंट, इन सारे कामों को हम 95 में करते थे, ठीक है।
अब बात करते हैं 95 के बाद हमारा विंडो एनटी, विंडो एनटी मतलब न्यू टेक्नोलॉजी नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसको वर्क स्टेशन भी बोलते थे। ये हमारा 24 अगस्त 1996 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये बेसिकली हमारा इंटरनेट को एक बोल सकते हैं विंडो सर्वर बनाने के लिए, जहाँ पे हम नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, वर्क स्टेशन क्रिएट करने के लिए हमारा इसका यूज़ किया गया। तो जाहिर सी बात, अभी हम वर्क स्टेशन क्रिएट करेंगे जहाँ हमारा विंडो सर्वर एज ए यूज़ होगा, वहाँ पे वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो कि नॉर्मल हमारे पीसीज में नहीं मिलते हैं, उनसे एडवांसमेंट, जैसे कि आईआईएस इंटरनेट सर्विस जो भी हमारे होते हैं, आईआईएस सर्विस से 2.0 को सपोर्ट करता था, फ्रंट पेज हमारा 1.0 इसमें मिला, उसके बाद नेट को सर्विसेज मिली जिससे कि नेट को देख सकते थे, रिमोट एक्सेस सर्विसेज जिससे हम रिमोटली किसी भी सिस्टम को लॉग इन करके उस सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे, ये सारे सिस्टम आ गए। मल्टी प्रोटोकॉल राउटिंग मतलब एक साथ कई जगह वो अलग अलग उस प्रोटोकॉल के थ्रू हम रूट पे अपने फाइलों को सेंड कर सकते थे, तो मल्टी प्रोटोकॉल राउटिंग सिस्टम, नेटवर्क मॉनिटर यूटिलिटी, ऐसे यूटिलिटी टूल्स आ गए जिससे नेटवर्क को मॉनिटर किया जा सके, तो सारे टूल्स का यूज होने लगा था। उसके बाद सिस्टम मैनेजमेंट, सर्वर मैनेज मतलब सिस्टम को मैनेज करने के लिए, सर्वर को मैनेज करने के लिए सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर एक हमारा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू उन सारी सर्विसेज को आप इससे मैनेज कर सकते थे, कौन सी सर्विसेज चलेगी, कौन सी सर्विस नहीं चलेगी, कौन सा नोड को कैसे मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों को हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू मेंटेन किया जाता था। तो इस प्रकार हमने विंडो 95 और विंडो 94 के बारे में बताया, ठीक है, जो कि एक साल के अंतर में दोनों लॉन्च हुआ था। हम बात करते हैं विंडो 98 का, जहाँ तक हमने विंडो 95 के बारे में पढ़ा, उसके बाद एनटी के बारे में पढ़ा, हम बात करते हैं विंडो 98 हमारा एक्चुअली इन सारे जितने भी पुराने वर्जन हैं, इन सारे वर्जन का अपडेट वर्जन और एक ऐसा स्टैंडर्ड वर्जन जिसको कि उस समय कहा जाता था कि अगर आपने 98 चला लिया तो आप लगभग सारे वर्जन को चला सकते हो, ठीक है। तो 98 वर्जन हमारा 25 जून 1998 को लॉन्च हुआ, इसमें बहुत सारे कुछ टूटियाँ कमियाँ जितने भी वर्जन उसमें थे, उन सारे वर्जन की कमियों त्रुटियों को एक दूर करने के बाद हमारा विंडो 98 का हमने लॉन्च किया गया। विंडो 98 लॉन्च करने का सबसे मूल वजह था कि हम यूजर को ऐसा हम इन्वायरमेंट दे सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सके जहाँ पे उन सारी चीज़ों का इंटरेक्ट कर सके, उन सारी चीज़ों को यूज कर सके इजीली। तो उसमें उन्होंने आउटलुक एक्सप्रेस और फ्रंट पेज सर्विसेज भी दी जिसके थ्रू आप अपनी ईमेल्स को अपने सिस्टम पे वो आप आउटलुक के थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सको, जहाँ से आप मेल को रिसीव कर सको, सेंड कर सको, वहीं आपको फ्रंट पेज की भी सुविधा जिसके थ्रू आप HTML पेज को डिज़ाइन कर सको, चूँकि HTML का फ्रंट पेज सर्विसेज आपको मिल गया था इसीलिए आप वेब पेज तैयार कर सकते थे, और वेब पेज को रन करने के लिए इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का सपोर्ट भी दिया था 5.0 वर्जन के ऊपर का। अब हम फास्ट स्टार्टअप और शटडाउन, हमारा सिस्टम जो पहले के पीछे जो स्टार्टिंग और शटडाउन जो उन्होंने की जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग में काफ़ी सुधार किया गया था, और कैश मेमोरी की वजह से हमारे सिस्टम की स्पीड को बूस्ट किया गया। अब हमारा जहाँ पर जो टाइमिंग कि जो पहले जो टाइम कंज्यूम होता था वो टाइम हमारा बहुत ही शॉर्ट टाइम हो गया, तो हमारा सिस्टम अगर स्टार्ट होने में भी फास्ट स्टार्ट और शट डाउन की भी स्पीड हमारी फास्ट हो गई। उसके बाद हमारा बेटर फाइल मैनेजमेंट, फाइल को मैनेजमेंट करना मतलब फाइल को हमारा इधर उधर मूव करना, उसको कॉपी पेस्ट करना, कहीं भी स्विच करना, उसके बाद एक स्टोरेज दूसरे स्टोरेज डिवाइस में कन्वर्ट करना, यहाँ तक कि FAT16 से FAT32 में कन्वर्ट करने के लिए यूटिलिटी टूल्स भी प्रोवाइड किया गया, जो कि विदाउट किसी फॉर्मेटिंग कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे। ये सारे सिस्टम्स इसमें आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद विंडो ड्राइवर मॉडल इसमें दिया गया, जो कि एक ऐसा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ये मॉडल दिया गया था, साथ में अभी जो मैंने बताया FAT16 32। कैश मेमोरी सीडी रोम की फैसिलिटी दी गई, सीडी रोम चूँकि उसमें लॉन्च हुआ था, उसे सीडी रोम के द्वारा ये सारी चीज़ें अपलोड होंगे, तो सीडी रोम सीडी राइटर इन चीज़ों को यूज करने के लिए सीडी रोम का यूज हमारा 98 वर्जन होने लगा। बैकअप सपोर्ट के लिए हमारे वो सॉफ्टवेयर दिए गए जिसके थ्रू आप बैकअप सपोर्ट कर सको, अपने फाइल को बैकअप ले सको, जिससे कि आप अपने इन फ्यूचर कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश होता है या फिर कोई फॉल्ट आती है तो आपकी जो भी फाइल है वो सुरक्षित रहे, तो बैकअप सपोर्ट के लिए हमारा इसमें टेक्निकल सपोर्ट भी टूल्स का मिलने लगा, जहाँ पे हम उसका यूज करके बैकअप को सपोर्ट कर सकते थे। मीडिया प्लेयर में एडवांसड हो गया, मीडिया प्लेयर हमारे मीडिया प्लेयर मूवी मेकर और भी हमारे ऐसे बहुत रियल प्लेयर इस टाइप से हमारे मीडिया प्लेयर आ गए, जो कि
हमारे मूवीज़ देखने के जो एक्सपीरियंस था उसको अच्छा कर दिया, उसको यूएसबी सपोर्ट हो गया। जहाँ तक पहले हमारा PS2 से काम चलता था, सीरियल पोर्ट काम 2 से काम चलता था, उसके बाद अब USB में हमारे लगभग डिवाइसेज आने लगी, चाहे वो माउस की बोर्ड हो वो भी USB माने लगा। चूँकि USB माने लगा तो हमारा प्लग एंड प्ले की फैसिलिटीज़ का शुरुआत हो गया, जिसमें कि हमारा ड्राइवर इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं रही थी बल्कि ऑटोमेटिक को डिटेक्ट कर लेता था। लेकिन यहाँ पर हमारा USB को सपोर्ट करने लगा, लैंड शेयरिंग हमारी जो सर्विसेज थी फैसिलिटीज़ तो उसको आ गया, हमारे लैंड कार्ड एन IC कार्ड जो था वो आने लगा सपोर्ट करने के लिए, हमारे 98 में लैंड कार्ड को सपोर्ट करता था। ठीक है, इस प्रकार की सारी खूबियों के साथ हमारा 98 हुआ। इसमें कुछ थोड़ा बहुत और अपडेट करके हमारा सेकेंड एडिशन निकाला गया था जो 23 अप्रैल 1999, मतलब एक साल के अंतर में हमारा दूसरा एडिशन आया था। ठीक, अब इस हमारे 98 की अभूतपूर्व सफलता के बाद, क्योंकि ये काफ़ी फेमस हुआ, तो इसके बाद हमारा Windows 2000 हुआ। Windows 2000 तो बेसिकली कह सकते थे कि बहुत छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बहुत ही फास्ट स्टार्टिंग होती थी, फास्ट क्लोज होती थी। लेकिन सर ये 2000 हमारा बेसिकली क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था, ना कि एक हमारा एक होम यूजिंग के लिए इंटरप्राइज के लिए। ये हमारा क्लाइंट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि अलग अलग है, इसके 4 वर्जन आए, हमारा होम है, कमर्शियल्स है, ठीक है, इंटरप्राइजेस और बहुत सारे इसके वर्क स्टेशन सिस्टम के हमारे बहुत से वर्जन है, जिसपे कि हमारा बेसिकली क्लाइंट सर्वर को मैनेज करने के लिए हमारा ये Windows 2000 को लॉन्च किया गया था। Windows 2000 को ये भी कहा था कि नेटवर्क टेक्नोलॉजी 5.0 की शुरुआत यहाँ से हो गई थी, एक स्टैंडर्ड दे दिया गया था। इसमें हमारा कंसोल मैनेजमेंट की फैसिलिटी मिलती थी। कंसोल मैनेजमेंट ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का कंसोल मैनेजमेंट एक सर्विसेज होती है, जिसके थ्रू आप उन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। स्टैंडर्ड सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए स्टैंडर्ड हमारा एक मैनेजमेंट इसमें टूल्स होता था, जिसके थ्रू वो सिस्टम को मैनेज करते हैं। एक्टिव फाइल डायरेक्टरी, इसके थ्रू आप डायरेक्टरी फाइल को कौन सी सर्विस एक्टिव करनी है, कौन सी डिएक्टिव करनी है, उन चीज़ों का यूज करके उन सर्विस का यूज़ कर सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ये सर्विसेज, इसी प्रकार से फॉल्ट रिडंडेंस स्टोरेज, वॉल्यूम का इंक्रिप्शन, फाइल सिस्टम, ठीक है, एक्सेसिबिलिटीज, गेम्स, ये सारी फैसिलिटीज़ के साथ हमारे Windows 2000 हमारा जो वर्जन था उसमें ये सारी फैसिलिटी था। अब एक्सेसिबिलिटी की बात की तो एक्सेसिबिलिटीज में हमारे वो चीज़ आती है, जैसे मान के चले कि हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हुआ, ठीक है, नरेशन हुआ जिसके थ्रू आप सुन सके, या फिर वो चीज़ें जो हम विजुलाइज कर सकें, टाइप कर सकते, वो एक्सेसिबिलिटी आ गई। ठीक, गेम्स में हमारे गेम्स जैसे कि सोलिलाइटर हुआ, हॉर्स हुआ, इस प्रकार से चेस हुआ, तो ये सारे गेम्स हमारे विंडोज़ में पहले से भी बहुत सारे गेम्स थे, बट कुछ गेम्स हमारे ये ख़त्म हो गए थे, कुछ नए गेम्स उसमें ऐड होते जा रहे थे, तो इस प्रकार से इसमें गेम्स का एक्सपीरियंस भी था। तो ये हमारा 98 और 2000 में विंडो मिलेनियम हमारा एक्चुअली 2000 के बाद फर्स्टली हमारा लॉन्च हुआ, जो कि 14 दिसंबर 2000 में ऑफिशियल लॉन्च हुआ। और ये हमारा मिलेनियम वर्जन एक तरह से कह सकते हो कि सेलिब्रेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें हमारा बेसिकली कुछ फीचर्स ऐसे थे जो कि यूनिक थे, जो कि अभी तक जितने भी हमारे विंडोज़ वर्जन लॉन्च हुए थे उन सारे वर्जन से थोड़े से अलग थे। जैसे क्या था कि हमारा इसमें कंप्यूटर को रिस्टोर करने की फैसिलिटी थी, कि हम कंप्यूटर के को हम रिस्टोर कर सकते थे, रिस्टोर पॉइंट बना के हमारे कंप्यूटर का जो भी डेटा है उसको रिस्टोर करके हम उसको एक रिस्टोर फैसिलिटी इसमें दी गई थी। साथ में इसे मूवी मेकर की फैसिलिटी दी थी, मूवी मेकर सॉफ्टवेयर था जिसके थ्रू आप शॉर्ट मूवी को एडिटिंग करके आप मूवीज़ क्रिएट कर सको, एनिमेटेड मूवी, उसमें आप एनिमेशन, ट्रांजेक्शन, साउंड, वीडियोज, एडिटिंग, फोटो, ये सारी चीज़ों को मिला के आप एज अ मूवी मिक्स कर सको, तो उसका सॉफ्टवेयर भी हमें दिया हुआ था। साथ में मल्टी लैंग्वेज यूजर्स को सपोर्ट करता था, मतलब अलग अलग भाषा में प्रयोग कर सकते थे। इसके बाद ये कर्सर सेट थी, मतलब इसमें कर्सर का जो कर्सर की जो इमेज थी या कर्सर का जो टाइप था उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे। इसके अलावा इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स, ऑन स्क्रीन नरेटर्स, तो ये सारी चीज़ों को वो हमारे वॉइस को भी सपोर्ट करता था। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फैसिलिटी के साथ हमारा विंडो मिलेनियम लॉन्च हुआ। चलिए एक बार एट ए ग्लांस में देख लेते हैं, विंडो मिलेनियम में हमारा 14 सितंबर 2000 को लॉन्च हुआ था। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 5.5 का हमारा वर्जन मिला था, विंडो मीडिया प्लेयर 7 और DVD प्लेयर, इन सारी चीज़ों को वो बेसिकली सपोर्ट करता था। विंडो मूवी सॉफ्टवेयर जो कि मैंने बताया कि मूवी मेकर सॉफ्टवेयर, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू आप मूवी क्रिएट कर सकते थे, कंप्यूटर को रिस्टोर कर सकते थे। मिनिमम इंटरनल मेमोरी इसमें हमारा 64 MB था और मैक्सिमम हमारा 4 GB तक था। ठीक है, हमारा मल्टी लैंग्वेज यूजर इंटरफेस है,
डायलप नेटवर्किंग में वेरी बेस्ट एक्चुअली कि हम लोग नेटवर्किंग करते थे, डायलप नेटवर्किंग जो हमारे लीज लाइन फ़ोन होते थे उसके थ्रू हमें अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो हमें डायलप नेटवर्किंग बनानी थी। वो डायलप नेटवर्किंग हमारी एमई में आपकी ये फीचर्स आपको दिया गया था, डायलप नेटवर्किंग सर्विसेज जिसके थ्रू आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकें। उसके बाद यूएसबी प्लग एंड प्ले का, यूनिवर्सल एक्चुअली प्लग एंड प्ले का जो अभी ये यूएसबी स्टार्ट हो चुकी थी एक्स, तो अब उसमें कर्सर सेट है। उसके बाद हमारा रिसेंटली जैसे हमारा मिलेनियम वर्जन ख़त्म हुआ तो मुश्किल से एक साल बाद हमारा विंडो एक्सपी लॉन्च हुआ। विंडो एक्सपी अभी कहा जाए तो अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसमें विंडो एक्सपी अभी भी लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी पॉपुलरिटी इतनी है विंडो एक्सपी 98 के बाद विंडो एक्सपी एक ऐसा ओएस रहा जिसको कि लगभग मैक्सिमम पर्सन यूज़ करते हैं। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो एक्सपी जो विंडोज़ का जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ और वो सारी एडवांस चीज़ें इनमें शामिल थी जो अभी तक हमारे जो भी विंडोज़ अपडेट हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं, शायद वो सारी चीज़ें हमारे एक्सपी अभी भी सपोर्ट करती है। देखते थे कहते थे क्लासिक सॉफ्टवेयर था हमारा, एक क्लासिक था। इसमें हमारे कई वर्जन आए थे जैसे कि होम एडिशन आया था, एक्सपी प्रोफेशनल्स आए थे। तो होम एडिशन बेसिकली होम जो कि नॉर्मल यूजर्स के लिए होता था और हमारा प्रोफेशनल वर्जन जो प्रोफेशनल यूजर होते थे उनके लिए होता था। इसमें हमारी सारी फैसिलिटी तो थी, साथ में इसमें हमारा बेसिकली फुल इंटरटेनमेंट पैकेज था जो उन सारी चीज़ों को सपोर्ट करता जो कि हमारा इंटरटेनिंग बताते। ये टोटली प्लग एंड प्ले था, जीयूआई ग्राफिकल यूजर था ये। इसमें सिस्टम को ग्राफिकली लगभग पिक्सल वाइज रिजोल्यूशन वाइज उन सारे सिस्टम को मॉनिटर को सपोर्ट करता था चाहे वो किसी भी साइज का हो, लाइक 800x600 वीजीओ को भी सपोर्ट करता था। 8 वीजीओ अब तो 1024x768 रिजोल्यूशन, इन सारे रिजोल्यूशन को भी विंडो एक्सपी लेता है। तो कुल मिला के मतलब स्टार्टिंग में हमारा मिनिमम इतना ले ले रहा था, मैक्सिमम आप उसको जो भी प्रोवाइड करा दो उस समय। पर बात करते हैं 2001 में, तो 2001 में हमारी जो स्टैंडर्ड साइज थी वो रिजोल्यूशन की हमारी 800x600 ही थी। तो इसके साथ हमारा इसमें टास्क बार में लॉक के, टास्क बार जो हमारा होता था जैसे कि उसमें हम लॉक कर सकते थे। जैसे टास्क बार पहले क्या था तो लॉक नहीं होता था, अनलॉक होता था। तो हमारे अगर अनफॉर्चुनेटली हमारा उस पर माउस का मूवमेंट हो जाता था कर्सर का तो वो इधर से उधर मूव हो जाता था, कोई कर्सर है वो हमारा अनअरेंज हो जाता था। तो इस सिचुएशन को उन्होंने इसमें सुधार किया है और उसको लॉकिंग फैसिलिटी दे दी गई जिससे कि आप अपने टास्क बार को लॉक कर सकते हो, बाकी ऑटो अरेंज कर सकते हो अपने आइकन्स को और उसको भी लॉक कर सकते हो कि कोई इसको इधर से उधर मूव ना कर सके। तो ये लॉकिंग फैसिलिटी दे दी गई। आउटलुक एक्सप्रेस का 6.0 वर्जन जो एडवांस वर्जन है उसको इसमें लॉन्च कर दिया गया था। इस पर इसका से एक बार हम लोग इसको बताते हैं। विंडो एक्सपी हमारा 2001 को लॉन्च हुआ। विंडो एक्सपी 25 अक्टूबर 2001 को लॉन्च हुआ। इसमें दो वर्जन हुए, एक हमारे होम एडिशन और दूसरा हमारा हुआ एक्सपी प्रोफेशनल। ये हमारा साउंड कार्ड, डीवीडी, स्पीकर, हेडफोन, उसके बाद फुल मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट अगर बोला है तो हर चीज़ों को सपोर्ट करता था। प्लग एंड प्ले लगाइए और यूज करिए, ठीक है, नो एनी इंटरेक्शंस, कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो यूएसबी फुल यूएसबी सपोर्ट था। यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, इसमें मतलब ऐसा था कि आपको अभी तक जो भी सिस्टम थे उसमें आप यूजर क्रिएट कर सकते थे। तो यूजर में हमारे बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती थी, लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप जो भी यूजर अकाउंट क्रिएट करते थे वो एक्चुअली आपका इंडिपेंडेंट एक आपका यूजर अकाउंट क्रिएट होता था। उसमें जो कुछ भी करते थे वो आपका पर्सनल होता था, वो इट्स नॉट बी शेयरेबल, वो शेयर नहीं होता था किसी दूसरे चीज़ों से। तो इसमें आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते थे, एक अपना एक इंटरफेस लुक चेंज कर सकते थे, अपने हिसाब से उसका आइकन चेंज कर सकते थे, मेन्यू का जो प्रोग्रामिंग का ओपन होने का लेआउट होता है उसको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते थे। कुल मिला के कस्टमाइज करके अपने हिसाब से पूरी थीम का अपीयरेंस, उसका जो लुकिंग होता है, उसका आप बैकग्राउंड होता है उसका, या तो फिर आप थीम पूरी चेंज करनी चाहे डेस्कटॉप की, विंडोज़ की, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हैं। तो इन सारी फैसिलिटीज़ हमारे विंडो एक्सपी में दिया हुआ है। उसके बाद आप लॉक है आउटडोर एक्सप्रेस, तो अभी तक हमने क्या बताया विंडो एमवी और विंडो एक्सपी में हमारा एक्सपी अभी भी विंडो से बहुत सारे सिस्टम अभी हमारे एक्सपी यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वर्जन की। अब बात करते हैं हम लोग विंडो विस्टा की। विंडो विस्टा हमारा 30 जनवरी 2007 में लॉन्च हुआ। इसके बेसिकली इसमें एक बहुत बड़ी फीचर्स थी, एरो फीचर्स थी, AERO विंडो एरो को उसमें बताया था। जिम एल्चिंग ने एरो को एक्चुअली स्पेल किया था, ए से ऑथेंटिक, ई से एनर्जेटिक, आर से रिफ्लेक्टिव, ओ से ओपन।
ये ऑथेंटिक एनर्जेटिक रिफ्लेक्टिव ओपन, इन्होंने एरो को वो बताया था कि एक ऐसा था जो कि किसी भी विंडो को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट के और एक साथ उसको दिखा सकता था, मतलब दो बराबर विंडो को एक साथ आप इस पर देख सकते हो एरो फीचर्स के थ्रू। ये हमारा विंडो सर्च की फैसिलिटी हमारे विंडो विस्टा में कहते हैं। ये जैसे कि विंडोज़ में आप कुछ भी सर्च करना चाहते हो, कोई भी कंटेंट, किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को आप अगर उसमें देखना चाहते हो तो विंडो सर्च एक ऑप्शन था जिसके थ्रू आप उन चीज़ों को देख सकते हो। इसमें साइड बार इन्होंने दिया, सबसे पहले साइड बार दिया, जिसे साइड बार हमारे विंडो के डेस्कटॉप पे साइड में आता था और उस साइड बार में आप गजट्स का यूज़ करते, जैसे कैलेंडर शो करा सकते थे, म्यूजिक प्लेयर को शो करा सकते हैं, उसमें दिखा सकते हैं आप, या फिर आप घड़ी दिखा सकते हैं, जो भी क्लॉक है क्लॉक को दिखा सकते हैं, या आप अपनी इमेजेस को स्लाइड शो करते हुए दिखा सकते हैं। इसके स्पीडोमीटर आप अपने दिखा सकते हैं, जैसे कि आपका मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर का क्या स्पीडोमीटर है, मदरबोर्ड की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इवन आप अगर ऑनलाइन है तो भी रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे गैजेट्स हैं जो कि एड ऑन सर्विसेज इसमें ऐड करके आप उस पैनल में रख सकते थे आप जो साइड बार में है, तो वो उन चीज़ों को लाइवली हमेशा अपडेट दिखाता रहता था। तो ये आपका इसमें साइड बार इक्विपमेंट जिसमें कि डेस्कटॉप के गैजेट्स को हम लोग उसमें शो करा सकते थे। विंडो डिफेंडर एक इसमें सर्विसेज थे जिसमें कि हम विंडोज़ को बेसिकली फायरवॉल्स के ऐसे यूज़ करके उसमें कोई भी मॉलिकुलर्स या फिर ऐसे वायरसेस से बचाने के लिए डिफेंडर का यूज़ किया जाता था। उसके बाद फोटो गैलरी, डीवीडी मेकर, इस प्रकार के फीचर्स भी इसमें दी गई थी जिसका यूज़ करके हम फोटो को एक कस्टमाइज टाइप से दे व्यू कर सकते थे, उसमें चेंज कर सकते थे और उन चीज़ों को प्रिंट प्रिंट करने में, बाकी एडिटिंग करने के लिए भी इसका फोटो गैलरी के थ्रू डायरेक्ट एडिटिंग हो जाता था। तो इस प्रकार की इसमें सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी। गेम में एक बढ़ोतरी हुई थी कि गेम में इसमें चेस दे दिया गया था, जैसे बाकी अभी देखो सोल लाइटर हर्ट्स, उसके बाद और भी बहुत सारे गेम थे उसमें उन चीज़ों में एक और एड डाउन कर दिया गया था, चेस हमारा स्टार्ट हो गया था विंडो विस्टा से। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें हमारे कितने वर्जन आए थे। इसमें हमारे लगभग स्टार्टर, होम, प्रीमियम, बिजनेस, अल्टीमेट, ये अलग अलग वर्जन आए थे जो कि अलग अलग यूजर्स के लिए इसमें थे। स्टार्टर होम हमारे बेस स्टार्टर जो हमारा था, इसमें लिमिटेड फीचर्स थी, कुछ ही फीचर्स थे जिसका यूज़ करके विंडो विस्टा को यूज़ किया गया। होम एडिशन हमारा बेसिकली एक होम पर्पस स्टूडेंट और बाकी नॉर्मल जो भी काम करते हैं उनके लिए था। प्रीमियम वर्जन हमारे बेसिकली होम वर्जन कस्टमाइज थे जो कि हमारे बिजनेस पर्पस यूज थे, तो उसमें कस्टमाइज टूल्स का यूज हुआ था बिजनेस। इस प्रकार विंडोज़ की फीचर्स के बाद हम बात करते हैं विंडोज 7 की। विंडोज 7 बेसिकली विंडोज विस्टा का ही एक एडवांस रिफ्लेक्टिव इमेजेस है, एक एडवांस वर्जन है जो कि विंडो विस्टा से इंस्पायर्ड है, या विंडो विस्टा का ये कह सकते हैं एडवांस हमारा वर्जन है जो विंडो 7 में हुआ। ये भी ओरियो को सपोर्ट करता है, विंडो 7 भी हमारा एरो को सपोर्ट करता है। इसमें एरो स्नैप फीचर्स जो कि मैंने बताया कि दो बराबर बराबर विंडोज़ को आप एक साथ देख सकते हो। फास्ट यूएसबी डिटेक्शन इसमें हुआ कि ये यूएसबी को बहुत ही फास्ट डिटेक्ट करता है विंडोज 7 में। विंडोज 7 में होम ग्रुप्स इन नेटवर्किंग, मतलब कि इसमें आप जो भी होम नेटवर्किंग के लिए इसमें एक होम ग्रुप होता है जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग के जो फीचर्स है वो थोड़ा एडवांस लेवल पर जाता है। उसमें आप अलग अलग तरीके से उसमें आप सेटिंग्स है जिसके थ्रू आप अलग अलग यूजर के लिए उसमें आपको सेटिंग्स में जाके अलग अलग फीचर्स को देख सकते हैं। स्टार्टअप, स्लीप और रिज्यूम, ये सर्विसेज है जैसे कि आप सिस्टम को स्टार्ट करते थे, स्टार्टअप में कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट साथ में होंगे, स्लीप मोड में चला जाएगा, उसके बाद रिज्यूम सर्विसेज, ये हमारे अलग अलग जो हमारा सीपीयू है उसका स्टार्टअप, स्लीप और रिज्यूम तीनों सर्विसेज है, ये तीन सर्विसेज को इसमें जोड़ा गया। नोटिफिकेशन कस्टमाइज, हमारा जो नोटिफिकेशन बार आता है हमारे विंडोज़ में डाउन साइड में नीचे जो हमारी स्टेटस बार होता है उसमें कॉर्नर में जहाँ पर हमारी क्लॉक होती है वहाँ पे नोटिफिकेशन बार होता है। तो उस नोटिफिकेशन बार में एक्चुअली बहुत सारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं जो कि ऐड होते हैं, तो उसमें आप कस्टमाइज़ करने की फैसिलिटी दी गई थी कि एक यूज़र चाहे तो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बार को कस्टमाइज़ कर सकता है कि कौन सा नोटिफिकेशन बार शो हो, कौन सा नोटिफिकेशन बार ना शो हो। जैसे कि इसमें क्या होता था कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे नोटिफिकेशन बार शो होते थे, बट आप चाहते हो कि पर्टिकुलर हमारा यही शो, उस सिचुएशन के लिए आप नोटिफिकेशन बार में जाके उन चीज़ों को ऑलवेज ऑन ऑफ इस चीज़ से ऑन ऑफ सर्विसेज कर सकते हैं, तो उस चीज़ों पे वो एक्टिवेट करेगा और उन चीज़ों को दिखाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं सिस्टम मेंटेनेंस बैकअप, ये सारी सर्विसेज सिस्टम को मेंटेन करना, मतलब उसको चेक करना, यूटिलिटी टूल, डिस्क्रिप्ट फ्रेगमेंट क्लीन अप, उसके बाद और ठीक है सी एच के डी एस के
तो इस टाइप से आप इसमें कई कम आप सर्विसेज का टूल्स यूज करके आप सिस्टम को मेंटेन कर सकते हो, बैकअप आप सिस्टम का बैकअप ले सकते हो, किसी भी फाइल फोल्डर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर का या फिर सिस्टम किसी ड्राइव का भी बैकअप ले सकते हो। ट्रबल शूटिंग करने के लिए इसमें एक एक्शन सेंटर होता है जिसमें आप कोई भी ट्रबल शूटिंग करना चाहे उसके बारे में एक्शन सेंटर में जाकर कर सकते हैं। साथ में इसमें इंक्रिप्शन की भी फैसिलिटीज होती है जो कि आप किसी भी फाइल को इंक्रिप्ट कर सकते हैं। साथ में इसमें अगर देखा जाए तो ड्राइव लॉक करने की भी फैसिलिटी होती है, आप ड्राइव को भी लॉक कर सकते हो, ठीक है, जिससे ड्राइव उसमें पासवर्ड के थ्रू इंक्रिप्ट हो जाता है, पूरी ड्राइव लॉक हो जाती है, उसको बोलते हैं बिट लॉकर, ठीक है। बिट लॉकर की फैसिलिटी हमारे विंडोज 7 के अल्टीमेट में वर्जन में भी होती है जिसके थ्रू आप उस ड्राइव को लॉक कर सकते हैं फिर अनलॉक कर सकते हैं। साथ में USB का इसमें फास्ट एक्चुअली मेमोरी बना देता है जिसमें एज अ रैम आप USB को यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए स्पीड करके एक सर्विसेज होती है जो कि आप विंडोज 7 में आप उसको सर्विसेज को यूज़ करके आप एक्सटर्नल डिवाइस की मेमोरी को आप एज अ रैम में कन्वर्ट करके एज अ रैम के तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में विंडो विस्टा विंडो 7 के बारे में बताया। विंडो विस्टा हमारा 30 जनवरी 2007 में और विंडो 7 हमारा 22 जुलाई 2009 में। विंडो 7 के बाद बात करते हैं विंडो 8 की। चूँकि विंडो 7 से पहले या विंडो 7 तक हमारे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम थे उस सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे से सिमिलर थे, मिलते जुलते थे, उनकी फंक्शनलिटी ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक का सारा जो उनका सिस्टम था लगभग एक दूसरे से रिलेट करता था, को रिलेट करता था, मिलता जुलता था, उसमें काफ़ी चीज़ें सर्विसेज में चेंजमेंट थी बट उसका फंडामेंटल ओपन होना क्लोज होना वो सारा सेम था। ये चीज़ें हमारी विंडो 8 में बदल गई। विंडो 8 में क्या हो गया कि वो सारा जो एक यूज़र इंटरफेस था, एक इन्वायरमेंट था काम करने का, वो इन्वायरमेंट अचानक से चेंज हो गया। यूजर को लगने लगा यार ये कौन सा इंटरफेस आ गया, इस पर कैसे काम करे, कैसे स्टार्ट करे, कैसे बंद करे, कैसे एप्लीकेशन को एक्सेस करे, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन्स लेके आ गया विंडो 8। बेसिकली विंडो 8 कहा जाए तो एक नॉर्मल यूजर के लिए इसलिए दिक्कत थी क्योंकि वो उन चीज़ों का हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको एक तरह से आदत पड़ गई थी 98 से लेके विंडो XP विंडो 7 तक के उसी इन्वायरमेंट पे काम करने के। तो हमारा विंडो 8 पे काम करने का एक जो हमारा प्रोसेस था, एक अलग सा तरीका था, वो चीज़ें अडॉप्ट करने में लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि आज भी हमारा विंडो 8 बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, बल्कि अभी भी विंडो 7 और हमारा XP यूज होता है या विंडो 10 यूज होता है। अब रही बात विंडो 8 में हमारी वैसी क्या फैसिलिटीज थी, क्या सर्विसेज थी, विंडो 8 हमारा टोटली टाइल बेस्ड था। एक ऐसा ये ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 को डिज़ाइन किया गया था जो कि एक टच टाइप का विंडो पे काम करता था। ये हमारा बेसिकली टैबलेट मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन तीनों को लेके कह सकते हैं कि तीनों के लिए एम्बेडेड करके बनाया गया था कि इन तीनों वर्जन पे काम करेगा और ये हमारा टच को भी सपोर्ट करेगा। अभी तक जितने भी हमारे वर्जन थे वो हमारे टच को सपोर्ट करने, टच स्क्रीन पे जो हमारे फंक्शनलिटी थी उन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे। हमारे विंडो 8 से टच स्क्रीन की फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करने के लिए अब इसके बाद ही हमारा मोबाइल वर्जन हमारे लॉन्च हो गए विंडोज़ के, जो कि 8.0 से स्टार्ट हुआ और 8.1 में हमारा इसका नेक्स्ट वर्जन स्टार्ट हुआ। विंडो हमारा 8 में वन ड्राइव बिल्डिंग, ये एक्चुअली हमारी एक फैसिलिटी थी वन ड्राइव बिल्डिंग। ये एक्सेस इसमें क्या होता कि जब भी आप विंडो 8 में करते थे तो उसमें वन ड्राइव एक आपको मिलता था, वन ड्राइव एक जैसे कि गूगल में क्या होता है कि गूगल ड्राइव मिलता है, ऐसे आपको विंडो में आप अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर लॉग इन करेंगे तो उसमें वन ड्राइव एक करके आपको एक क्लाउड में स्पेस मिलेगा जहाँ पर आप अपनी सारी चीज़ों को फाइलों को उस क्लाउड में रख सकते हैं, उस क्लाउड को थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि गूगल के एंड्रॉयड में अगर आपको एक्सेस करने के लिए जीमेल का यूज़ करना होता है, वैसे ही आपको विंडोज 8 या विंडोज 10 में एक्सेस करने के लिए आपको आउटलुक या MSN पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसके थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। जब उसके थ्रू एक्सेस कर देंगे तो बाई डिफ़ॉल्ट आपको वन ड्राइव मिल जाता है, ये वन ड्राइव में स्पेस मिल जाता है जिसके थ्रू आप क्लाउडली अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो, उसके बाद उस फाइल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके बाद विंडो में स्टोर मिलता है, विंडो का स्टोर होता है, विंडो स्टोर में जाके आप फ्री
और पेड टू टाइप के एप्स होते हैं, उन एप्स को आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको रन करके इंस्टॉल करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। ये आपका सारे प्लेटफॉर्म पे काम करता है, चाहे आपका आपका डेस्कटॉप वर्जन हो या फिर आपका टैबलेट हो या फिर स्मार्ट मोबाइल हो। ओके, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को सपोर्ट करता था। उसके बाद इसके थ्रू लॉगिन करने के लिए फिजिकल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती थी, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते थे, चाहे आप ऐप में और सिस्टम में, दोनों में सेम फैसिलिटी थी। ये हमारा मल्टीपल डेस्कटॉप नहीं शो करता था, ये एक बार में एक ही डेस्कटॉप बनाता था। ये इस चीज़ों को सुधार करके हमारे विंडोज़ 10 में अब बात करते हैं। तो विंडोज़ 10 में बेसिकली हमारा वन ड्राइव फैसिलिटी तो था ही, साथ में इसमें हमारी और भी कई चीज़। तो विंडो 10 की बात कर रहे हैं, तो विंडो 10 में हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्विक एक्सेस टू कॉमन ऐप एंड सेटिंग, मतलब हमारे स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप ऐप्स को भी और जितने भी उसमें सेटिंग्स हैं उन सेटिंग्स को भी एक्सेस करते हैं, साथ में उन सारे एप्लीकेशन पैकेज को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि विंडो 8 में वो सारी चीज़ें आपके स्टार्ट मेन्यू थी ही नहीं, लेकिन इसमें स्टार्ट मेन्यू के थ्रू आप उन सारी चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। वन ड्राइव बिल्डिंग मतलब एक्सेस वाया क्लाउड, जो कि फैसिलिटी आपकी विंडो 8 में भी थी वही फैसिलिटी आपकी विंडो 10 में भी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि आपको विंडो 8 और विंडो 10 दोनों में एक्सेस करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करना पड़ेगा। जब आप अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वन ड्राइव की फैसिलिटी मिलेगी। कोर्टाना एक हमारा डिजिटल असिस्टेंट है, जो कि आप उसमें कोई भी वॉइस के थ्रू बोल के, जैसे कि गूगल वॉइस होता है, गूगल के थ्रू आप कोई भी चीज़ बोल के गूगल के सारी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं, वैसे हमारे विंडो 10 में कॉर्टाना करके एक हमारी सर्विसेज जिसके थ्रू आप कोई भी अपना वॉइस कमांड देके आप कोई भी फंक्शन से या फिर कोई भी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं विंडो 10 की। ईजिली कनेक्टेड वर्क विद द पीसी एंड मोबाइल इज द फैसिलिटी, ये हमारा साइमल्टेनियसली आप इसमें आप एक बार एक एक्सेस कर लेते हैं अपने पीसीज पे, तो उसी अकाउंट के थ्रू अगर एक्सेस करते हैं अपने स्मार्टफोन पे तो एक साथ आप दोनों पे कनेक्टेड होते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं, दोनों पे एक ही साथ आप वर्क को एक ही फ्लो में काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होता है और सेम टू सेम दोनों पे एक साथ काम चलता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट का एक इज है, इज एक एक्चुअली इसमें भी पावरफुल एक वेब ब्राउजर इन्होंने दिया है विंडो 10 में, अभी तक जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 चल रहे थे, लेकिन आप हमारी विंडो 10 में इन्होंने इज करके एक ब्राउजर दिया है जो कि बहुत ही पावरफुल एडवांस ब्राउजर है, वो हमारी ब्राउजर की यहाँ फैसिलिटी मिली हुई है। विंडो स्टोर है, जैसा कि विंडो आपके 8 में भी स्टोर था, यहाँ पे भी फ्री ऐप हैं और पेड ऐप हैं, आप जो भी फ्री और पेड ऐप का आप इस्तेमाल करना चाहें उनको आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और यूज करिए। मल्टीटास्किंग मतलब जितने भी आपके एप्लीकेशंस खुले हुए हैं, जितने भी ऐप्स खुले हुए हैं, उन सब सारे ऐप्स को क्या करता है, अरेंज करता है, व्यू करता है और स्प्लिट करने के बाद एक साथ वो पूरे स्क्रीन पे इसको दिखा देता है मल्टीपल डेस्कटॉप के रूप में। इसके अलावा इसमें एक्सबॉक्स और सरफेस हब की फैसिलिटीज़ भी है। एक्सबॉक्स कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक्सबॉक्स एक ऐसी सर्विसेज इसके थ्रू आप गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही ज़्यादा एक एडवांस लेवल पर लेके जा सकते हैं। ये हमारे गेमिंग सेक्शन में, गेमिंग इंटरटेनमेंट में, गेम में अगर आपका रुझान है तो आप एक्सबॉक्स, ये हमारी ऑनलाइन सर्विसेज होती है, इन सर्विसेज के थ्रू आप कनेक्ट होके आप गेम की फैसिलिटीज़ और गेम को और ही ज़्यादा वर्चुअल एक्सपीरियंस के द्वारा इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात है सरफेस हब की, तो सरफेस हब हमारा एक ऐसा, इन्होंने एक ऐसे फीचर्स दिए विंडो 10 में जहाँ के जहाँ तक आप वाइट बोर्ड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आप उसमें एक आपको वाइट बोर्ड मिलेगा। और ये सरफेस हब हमारा जो एक्चुअली सर्विसेज है, फैसिलिटीज़ है, इसका यूज़ हम कॉन्फ्रेंसिंग में करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर आपकी कॉन्फ्रेंसिंग है जहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन के थ्रू कुछ समझाना पड़े, तो लगभग आपको 5:30 का एक मिलता है वाइट बोर्ड स्पेस मिलता है जहाँ पे आप उन चीज़ों को आप समझा सकते हो और इंटरेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कहीं भी बैठा हुआ हो। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो विंडो 8 और विंडो 10 में काफ़ी डिफरेंशिएशन है, बट दोनों में अगर एक्सेस की बात की है तो इसमें हम पर्सनली एक्सेस करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस करने के लिए हम बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर अपने अकाउंट आईडी से ही लॉगिन करके जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें दोनों में लॉगिन में थोड़ा डिफरेंट है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए विंडो 8 में, विंडो 8 हमारा टोटली टाइल है, इसमें एक यूजर को इंट्रैक्शन यूजर इन्वायरमेंट जिससे कि यूज़र नॉर्मली इसको यूज कर सके वो इन्वायरमेंट इसमें नहीं दी गई है,
बल्कि विंडो 10 में ये हमारे विंडो 7 से ऊपर के पहले के जितने भी वर्जन थे और बाकी विंडो वे दोनों को कंपोजिशन करके एक इन्होंने एडवांस बनाया और विंडो 10 दे दिया। और विंडो 10 के बाद वो कह रहे हैं कि विंडो 10 अब लास्ट वर्जन है, यहाँ तक कि ये वायरल चीज़ है कि अब ये लास्ट है या फिर इन फ्यूचर में विंडो 11 भी आएगा और कुछ या फिर किसी और नाम से विंडोज़ आएगा। लेकिन ऑफिशियली जहाँ तक कि कुछ इनके अधिकारियों का स्टेटमेंट है कि विंडो 10 ये हमारा लास्ट वर्जन है, इसके बाद इसमें कोई भी वर्जन नहीं आएंगे। हाँ, बस इतनी जो सर्विसेज है वो अपडेट होती रहेंगी और ये हमारा जो 10 है वो लास्ट हमारा इस पर विंडो का वर्जन है। आपने नोटिस किया होगा कि विंडो 8 तक तो कंटिन्यूसली आया, विंडो 9 नहीं था। बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 9 लॉन्च न करके विंडो 8 के बाद 8.1 लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने 10 लॉन्च कर दिया, 9 को उन्होंने स्किप कर दिया। कुल मिला के हमने आपको विंडो 8.1 से लेके विंडो 10 तक की पूरी बातें बता दी, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार क्विक देखते हैं हम लोग एट अ ग्लैंस में हमारा विंडो होता क्या है। तो विंडो में मैं आपको बता चुका हूँ विंडो की परिभाषा, विंडो का फुल फॉर्म है यहाँ वायर्ड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क एंड सोल्यूशन। ये बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा बनाया गया था, 30 बिट और 64 बिट्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। इंटरफेस मैनेजर जो था वो पहले इसको बोला था, बाद में इनका जो रॉलेंड हैंसन थे ये इन्होंने ही विंडोज़ का नाम दिया था। ये मार्केटिंग हेड थे माइक्रोसॉफ्ट के, इन्होंने इसको विंडोज़ नाम दिया था। बेसिकली तीन टेक्नोलॉजी थी, एक तो न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरफेस और यूयूआई, इन तीनों चीज़ों को ही मोड बनाया गया विंडो के लिए। इसी पे काम करने के बाद विंडो 1.0 से लेके विंडो 10 तक के जितने भी हमारे वर्जन आए, विंडोज़ आए, इन सारे में बहुत सारे चेंजमेंट हुए, बदलाव हुए और आज हम आप जो विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो हमारा वन ऑफ द पॉपुलर विंडो है, जो 90% यूज़र इसको यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड और बिल गेट्स इसके ओनर हैं। तो आपको आज का हमारा विंडो का पूरा सेक्शन कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।